हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये डीसी वर्सेस सीएचई यानी कि दिल्ली वर्सेस चेन्नई की टीम के बीच में जो आईपीएल का मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ अपनी स्मॉल लीग की टीम भी बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपनी टीम बनाने से पहले इस वेन्यू के बारे में और दोनों टीम के बीच जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी टीम बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीम ने जो अपने लास्ट 10 हेड टू हेड मैच खेले हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो 4 यहाँ पे दिल्ली की टीम ने जीते हैं और 6 यहाँ पे चेन्नई की टीम ने जीते हैं। और जो लास्ट 3 मैच रहे हैं अगर आप वो देखेंगे तो 3 के 3 मैच यहाँ पे सीएसके की टीम ने जीते हैं यानी कि चेन्नई की टीम ने जीते हैं। और इस मैच में भी मेरे हिसाब से चेन्नई की टीम ही फेवरेट रहने वाली है, तो मेरे हिसाब से ये वाला मैच भी चेन्नई की टीम ही जीतने वाली है। और ये मैच चेन्नई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि अगर ये मैच चेन्नई की टीम जीतती है तो डायरेक्ट वो क्वालिफाई कर जाएगी। और वहीं दिल्ली की टीम की बात करें तो दिल्ली की टीम तो लगभग बाहर हो चुकी है, पर दिल्ली की टीम भी इस मैच को जीतना चाहेगी क्योंकि ये वाला मैच दिल्ली के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस वेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा जो कि यहाँ पे दिल्ली की टीम का होम ग्राउंड है। अब इस वेन्यू के बारे में दोस्तों बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 164 का रहा है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 149 का रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर ओवरऑल इस विकेट की बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी विकेट रहती है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर बनता है। तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। अब दोस्तों, यहाँ पे वेदर की बात करें, वेदर क्लियर रहने वाला है, यहाँ पे बारिश के कोई चांस है नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे विकेट की बात करें यानी कि यहाँ पे किसको ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो जो लास्ट 10 मैच इस वेन्यू पे खेले गए हैं अगर आप उनमें देखेंगे तो 48 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाले और 42 विकेट स्पिनर को मिले। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्पिन पेस लगभग दोनों में कोई खास अंतर रहा नहीं है, तो पर मेरे हिसाब से इस मैच में पेसर्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। अब दोस्तों, जो रीसेंट मैच खेले गए हैं इस वेन्यू पे, आप उसका यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे पता रहेगा किस तरह का यहाँ पे स्कोर बना है। तो अभी रीसेंट में बेंगलोर वर्सेस दिल्ली की टीम के बीच में एक मैच हुआ जिसमें बेंगलोर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया, यहाँ पे 181 बनाए, और इस मैच को यहाँ पे डीसी की टीम ने आसानी से चेस किया 187 बनाकर। तो आप यहां से देख सकते हैं काफ़ी अच्छी विकेट है। उससे पहले यहां पे हैदराबाद वर्सेस दिल्ली की टीम के बीच में एक मैच हुआ जिसमें फिर से हैदराबाद की टीम ने यहां पे काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा किया, 197 बनाए, और इस मैच को यहां पे डीसी की टीम ने चेस नहीं कर पाई। तो इस मैच को अगर आप देखेंगे तो डीसी की टीम चेस करते हुए लगभग यहाँ पे टोटल के करीब पहुँच गई थी। इस मैच को यहाँ पे डीसी की टीम ने सिर्फ 9 रन से आ रहा था। तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं दोनों इनिंग में ही काफ़ी अच्छे रन्स बन रहे हैं। उससे पहले देखेंगे तो ये वाला मैच लो स्कोरिंग रहा था। अगर आप इसमें देखेंगे तो केकेआर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे 127 बनाए थे और इस मैच को यहाँ पे डीसी की टीम ने चेस किया था 128 बनाकर, पर डीसी की टीम को भी इस मैच को चेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। आप यहाँ से देखेंगे तो ये मैच यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 127 के छोटे टोटल को भी चेस करते हुए यहाँ पे डीसी की टीम ने 19 ओवर खेल लिए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी इस मैच में यहाँ पे डीसी की टीम को भी स्कोर को चेस करते हुए। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी विकेट है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे लास्ट के 2 मैचेस से काफ़ी अच्छा स्कोर बनाए, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। तो दोस्तों, अब हमने यहाँ पे इस मैच के बारे में जान लिया, हेड टू हेड मैचेस के बारे में जान लिया, वेन्यू के बारे में भी जान लिया, अब हम लोग चलते हैं अपनी टीम बनाने। तो दोस्तों, आप लोग जब अपनी टीम बनाने यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे जो खेलने वाले हैं, यहाँ पे कॉनवे, धोनी, सॉल्ट। उसके अलावा यहाँ पे एस खान, पौरेल अगर खेलते भी हैं तो इनको आप लोग जीएल में ही ट्राई करना, वैसे अभी इनके चांसेस भी कम है तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई खेलने वाला है नहीं। तो दोस्तों, स्मॉल लीग के लिए बात करें तो डेविन कॉनवे, पी सॉल्ट दोनों बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, दोनों ओपनिंग पर आएंगे और यहाँ पे विकेट कीपिंग तो हालांकि चेन्नई की तरफ से धोनी करेंगे। तो धोनी को दोस्तों आप लोग जीएल की टीम में ही ट्राई करना क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है, इस वजह से स्मॉल लीग में तो ये रिस्की रहते हैं, पर जीएल की टीम में आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए दोनों ओपनर्स को लिया है। यहाँ पे साल्ट अपने टीम की तरफ से विकेट कीपिंग भी करेंगे, ओपनिंग भी करेंगे इंपॉर्टेंट, और डेविन कॉनवे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो मैंने यहाँ पे दोनों को लिया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे दोस्तों, डेविड वॉर्नर, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पे अजिंक्य रहाणे का ऑप्शन है, शिवम दुबे का ऑप्शन है, रिली रसो का ऑप्शन है। तो ये तीनों भी स्मॉल लीग के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, पर दोस्तों इस मैच में मैं यहाँ पे रहाणे को लेके चलूंगा क्योंकि अगर यहाँ पे हेड टू हेड में सबसे
हेड टू हेड और वेन्यू दोनों पर अगर सबसे अच्छा रिकॉर्ड किसी प्लेयर का है तो वो यहाँ पे रहाने का है। तो रहाने मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट इस मैच में लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे रहाने को लिया है। आप लोग चाहें तो रहाने की जगह पे यहाँ पे दुबे को ले सकते हैं या फिर रॉसो को भी लेके जा सकते हैं। हालांकि दुबे के बारे में दोस्तों बात करें तो इनका हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। उसके अलावा रॉसो को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी इन्होंने बैटिंग की और ये एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो आप लोग ट्राई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी नीचे बात करें मनीष पांडे खेलते तो इनका लगभग ठीक ठाक रिकॉर्ड है। अंबाती राइडू का भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, तो इनको आप लोग जीएल में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। पोवेल के भी चांसेस कम है। पृथ्वी शो लास्ट मैच खेले जिसमें 50 लगाई, पर उससे पहले लगभग हर मैच में ये फ्लॉप रहे हैं, तो इस वजह से मैं फिलहाल के लिए इनको स्मॉल लीग में नहीं ले रहा हूँ। हालांकि अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ओपनिंग पर आएंगे एक बार फिर से आपको ये अच्छा खासा करके दे सकते हैं। बाकी नीचे बात करें तो नीचे कोई खास ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। धुल को भी आप लोग जीएल में ट्राई करना, उतने अच्छे रहेंगे नहीं। बाकी नीचे यहाँ पे अभी कोई खेलने वाला दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऑलराउंडर में चलें तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा, उसके अलावा अक्षर पटेल, मोइन अली, मैंने यहाँ पे तीनों को लिया। अगर यहाँ पे मार्स खेलेंगे तो मार्स भी हमारी टीम में 100% रहेंगे। हालांकि लास्ट मैच नहीं खेले थे, पर इस मैच में इनके चांसेस हैं, ये खेलेंगे तो अभी के लिए हम इनको लेके चलते हैं। अगर ये नहीं खेलेंगे तो फिर हम इनकी जगह पे किसी और प्लेयर को लेके चलेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इन चारों ऑलराउंडर्स को लिया है। बाकी नीचे अभी इनमें से कोई खेलता हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे दोस्तों ललित यादव खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम में देखेंगे, चेन्नई की टीम में, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेफ्टी बल्लेबाज देखने को मिलने वाले हैं और ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, तो इनका काम बन सकता है। अगर ये खेल जाते तो आप लोग इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी नीचे बात करें तो ए खान को जीएल में ही ट्राई करना, क्योंकि सिर्फ बैटिंग से ही पॉइंट देंगे। बाकी नीचे यहाँ पे कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल इन चार ऑलराउंडर्स को लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में चलें तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पे नॉर्टजे है, कुलदीप है, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। दीपक चैन है, तुषार हैं, तो काफ़ी ऑप्शन है। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे नॉर्टजे को तो लेके ही चलूंगा, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे इनको लिया। उसके अलावा कुलदीप, अगर दोस्तों यहाँ पे डीसी की टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। दीपक चहर ने लास्ट के दो मैचेस से काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तुषार देश पांडे की दोस्तों बात करें, रिसेंट अच्छा रहा है, हालांकि लास्ट के दो तीन मैच से उतने ज़्यादा विकेट नहीं मिले, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे लास्ट के, अगर आप दो मैच देखेंगे तो उसमें इनको विकेट नहीं मिले, हालांकि उससे पहले काफ़ी अच्छा किया है, तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ईशान शर्मा का भी रिसेंट काफ़ी अच्छा है, ये भी ट्राइबल ऑप्शन है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर दोस्तों बात करूँ तो मैंने यहाँ पे पथराना को लिया। आप लोग चाहें तो पथराना की जगह पे किसी और प्लेयर को भी ले सकते हैं, पर अगर चेन्नई की टीम पहले बॉलिंग कराएगी तो मैं यहाँ पे पथराना को ही लेके चलूंगा, क्योंकि डेथ में बॉलिंग कराएंगे और एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए इनको ही लिया है। आप लोग चाहें तो इनकी जगह पे यहाँ पे दीपक चहर को ले सकते हैं, या फिर आपको किसी और बॉलर्स को लेना है तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पथराना को लिया। बाकी नीचे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों थिक्सना भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे लेफ्टी बल्ले, ज़्यादा तो नहीं पर आपको सामने वाली टीम में तीन लेफ्टी बल्लेबाज देखने को मिल रहे हैं। आपको टॉप पे डेविड वार्नर दिख रहे हैं, उसके नीचे रिली रसो हैं, उसके नीचे यहाँ पे अक्षर पटेल है, तो तीन लेफ्टी बल्लेबाज हैं, उसके आगे ये बॉलिंग करा सकते हैं और अच्छा खासा ये कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे बात करें, मुकेश कुमार को जीएल में ट्राई कर लेना, बाकी नीचे यहाँ पे कोई खेलने वाला भी दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे दोस्तों सीवीसी ऑप्शन की बात करें तो इस मैच में यहाँ पे आपके पास डेविन कॉनवे का ऑप्शन रहेगा, डेविड वार्नर ऑप्शन में रहेंगे, उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ऑप्शन में, मार्स खेलेंगे तो ये भी ऑप्शन में रहेंगे, तो ये चार अच्छे ऑप्शन मुझे इस मैच में सीवीसी के दिख रहे हैं। तो फिलहाल के दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं अपनी कप्तानी यहाँ पर डेविन कॉनवे को दे रहा हूँ, और वाइस कैप्टनसी की यहाँ पे बात करूँ तो फिलहाल के लिए मैंने अपना यहाँ पे वीसी मार्च को किया। अगर यहाँ पे मार्च नहीं खेलेंगे तो फिर अपना हम यहाँ पे वीसी चेंज करेंगे, तो फिर हम वार्नर या गायकवाड़ इनमें से किसी के साथ जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अपना कैप्टन तो कॉनवे को किया, वीसी फिलहाल के लिए मेरे यहाँ पे मार्च है। अगर इस टीम में दोस्तों कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।